नमस्कार। देश की नामचीन हस्तियों के कामकाज की पड़ताल करती हमारी खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। आज के अंक में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देश के जाने माने उद्योगपति और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष हरि भरतिया जी से। आज हम आपको हरि भरतिया जी के जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिल्ली से करने वाले हरि भरतिया जी अपने CII के अध्यक्ष के कार्यकाल में देश में औद्योगिक माहौल को और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करेंगे। भरतिया जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। धन्यवाद। देश में औद्योगिक निवेश का माहौल और बेहतर हो, इसके लिए आपकी योजना क्या है? देखिए, आपने तो देखा है कि लास्ट क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट करीब 8.5 से 9% के बीच में रहा, और हम ये समझते हैं कि इस ग्रोथ रेट को आगे चल करके बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत विचार किया और हम ये समझते हैं कि सब जो सेक्टर्स में जहाँ CII काम करती है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और ग्रोथ को बढ़ाने की। जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जैसे कि आप, हम GST की बात कर रहे हैं, हमें GST लेके आना है 1 अप्रैल 2011 से। देश 2011 से बात चल रही है, तो हमारा ये मानना है कि इसके आने से करीब इसका GDP पे इम्पैक्ट 1 से 1.5% अंदाज पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि जो सप्लाई चेन की जो है ना ओवरऑल एफिशिएंसी जो है और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, चाहे आप ट्रेड कर रहे हों, चाहे आप सर्विसेज कर रहे हों, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हों, अगर ये सारा इंटीग्रेटेड हो जाए, जो सारा हमारा हिंदुस्तान है वो एक सिस्टम पे चले टैक्स के, इनडायरेक्ट टैक्स के, तो उससे क्या होता है कि जितनी रुकावटें होती हैं और जितनी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है वो बढ़ जाती है, तो उससे टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ेगा और उस पर जो कॉस्ट है कलेक्शन का वो घटेगा और स्पीड इंक्रीज होगी, तो उसका सारा इम्पैक्ट करीब 1 से 1.5% है। CII के अध्यक्ष के रूप में 2010-11 के लिए आपका एजेंडा क्या है? अपने कार्यकाल में क्या कुछ खास आप करना चाहते हैं? देखिए, जो हमारा एजेंडा इस साल का रहा उसमें हमने एक बात की कि ये जो हम बिजनेस करते हैं उसका लाइवलीहुड पर क्या इम्पैक्ट, मतलब लोगों को क्या रोज़गार हम दे सकते हैं। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के आने वाले दिनों में कि हर एक साल करीब 17 से 20 मिलियन लोग रोज़गार खोजने के लिए आते हैं और आगे 10 सालों में देखें तो करीब 200 मिलियन लोग रोज़गार उनको सबको देना होगा हमको, तो ये रोज़गार आएगा कहाँ से? हमारा ये मानना है कि जो बिजनेस है या उसको आप किसी भी फॉर्म में कह लें, व्यापार कह लें, एंटरप्रेन्योरशिप कह लें, यही एक तरीका है आगे चल करके लोगों को रोज़गार देने का, और मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसके देखिए 4 स्तंभ हैं। पहला, एजुकेशन। आज के दिन हमारे यहाँ करीब जो ड्रॉपआउट रेट है स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, प्राइमरी और सेकेंडरी को कंबाइन कर दें तो 65% लोग स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं बिफोर क्लास 12 पास करने के, और केवल 11% लोग आगे ग्रेजुएट बनने के लिए जाते हैं। तो आपका ये, आप ये समझिए कि करीब 90% लोग रोजगार जाते हैं, रोजगार पे जाते हैं स्कूल से सीधे। और जो दूसरा स्तंभ है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब प्रशिक्षण। अगर ये बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या ये एम्प्लॉयबल हैं? क्योंकि अगर 90% लोग स्कूल से सीधा रोजगार के लिए जाएंगे या नौकरी के लिए जाएंगे या अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, अपना कोई रोजगार चालू करना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या वो तैयार हैं? देखिए, ये जो ट्रांजिशन होता है ना स्कूल से वर्क प्लेस का,
हम पढ़ा तो देते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, क्या ये बच्चों को तैयार करता है रोजगार के लिए? एक बेस जरूर देता है, बट रोजगार की तैयारी के लिए उसका प्रशिक्षण, मतलब स्कूल का जो सिलेबस है हमारा, उसमें वोकेशनल स्किल्स, सोशल स्किल्स का बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि आज के दिन केवल 5% लोग फॉर्मली स्किल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बिफोर किसी नौकरी पे जाएं। क्या कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को इसके लिए? देखिए, सरकार ने एक स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाया है, सरकार की जो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी कुछ सपोर्ट दिया जा रहा है कि आप लोगों को स्किल करें। हमारी तरफ से हम CII में क्या कह रहे हैं, हम अपने मेंबरशिप को कह रहे हैं कि देखिए, जो सबसे अच्छा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो काम है वो है किसी को इनेबल करना कि वो अपने आप एक जॉब ढूंढ सके या अपने आप एक छोटा रोजगार या एक माइक्रो एंटरप्राइज चालू कर सके। हम तो बात कर रहे हैं कि नए तरीके से हम कुछ ऐसे बिजनेस क्रिएट करें जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो। तो आज के दिन आप देखेंगे कि कई रोजगार ऐसे हैं जहां पर काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय किया जा सकता है, या हम ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूमर को दी जा सकती है। आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ टेलीकॉम के रेट्स हैं दुनिया में सबसे लोएस्ट है। उसका फ़ायदा क्या है? आज के दिन कोई भी इंसान अपने लिए मोबाइल टेलीफोन ले सकता है। उससे फ़ायदा क्या है कि वो कनेक्टेड है, उसके पास इन्फॉर्मेशन है, वो अगर सब्जी बेचने वाला भी है तो उसको भी मालूम है कि आज क्या रेट चल रहा है, अगर वो मछुआरा है तो उसको ये समझ है कि अगर मैं मछली पकड़ के लाता हूँ तो किस रेट में मैं बेच सकता हूँ। तो टेक्नोलॉजी को भी हम एक इस लोएस्ट लेवल पे ले जा सकते हैं जहाँ कि उसको लोगों को बेनिफिट हो। आपने देखा होगा नैनो कार बनाया है टाटा ने, तो ये एक जो फ्रूगल इनोवेशन है, ये जो माइंडसेट है कि जो हम लोगों के पास ऐसे प्रोडक्ट ले जाएं जो कि इस प्राइस लेवल पे हो कि वो उसका फ़ायदा उठा सके, तो ये एक हिंदुस्तान में एक नई चीज़ हो रही है। भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि रही, आपने नैनो कार की बात की, रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भारत में बनाई, भारत को गौरव हासिल हुआ दुनिया भर में सबसे सस्ती कार बनाने का। किस रूप में भारत की इस उपलब्धि को देखते हैं आप? मैं तो ये मानता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़, ये एक एग्जाम्पल है, और इस तरह के आपको हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे आज कि आज के दिन कंपनीज जो हैं ये समझ रही हैं, या जो रोजगार करने वाला वो ये समझ रहा है कि क्या हमारा एक अर्बन मार्केट ही है? नहीं, उसको ये मालूम है कि एक बहुत बड़ा मार्केट जो है जिसको कहते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड में जा करके, जो सबसे जो कम अर्निंग लोग हैं उनके पास भी हम जा करके प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो उनके लिए ओरिएंटेड है, और इस चीज़ों से लोग सीख रहे हैं। आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान सोच भी नहीं सकता था कि हम नए ड्रग की रिसर्च यहाँ पे करेंगे, वो भी हो रहा है। नई तरह की गाड़ियाँ आज हिंदुस्तान में बनाई जा रही हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर पे देखिए, एक एजुकेशन पे हम को कैपेसिटी बढ़ाना है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी मतलब स्किल प्रशिक्षण पे बहुत जोर देना है हमें, जिससे कि जो भी बच्चा स्कूल में पढ़े चाहे वो कॉलेज से निकले उसकी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत अच्छी हो, और उसके लिए उसको सोशल स्किल चाहिए, उसको समझ चाहिए कि इंडस्ट्री में अगर मुझे जाना है या खुद अपना रोजगार चालू करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई एक मेंटर रहा हो या किसी ने उसको कुछ बताया हो कि जब तुम्हें दुनिया फेस करनी है तो कैसे फेस करोगे तुम। तीसरी चीज इनोवेशन, और इनोवेशन सब लेवल पे। चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। तो CII ने कहा कि जो बिजनेस है वो लाइवलीहुड क्रिएट कर सकता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसके ये चार स्तंभ हैं जी। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी CII के अध्यक्ष हरि भरतिया जी से बातचीत जारी रहेगी।
एक नोट ने कहा था, मेरी रंगत तो देखो, सातों रंग पहनता हूं, मेरा चेहरा उठाओ ना, बड़ी बारीक बातें हैं, छू के देखो नक्श मेरे, पहिए हैं ना पंख हैं, पैसा चलता रहता है, नजर जो तेज रखते हैं वो सब कुछ ताड़ लेते हैं। ये नोट ने कहा था, मुझे भी परखने की एक आदत बना लो, पैसे की भाषा सुनिए, क्योंकि पैसा बोलता है। शनो, तेरी बिटिया स्कूल नहीं जाएगी? चाहती तो मैं भी हूँ कि ये पढ़े, पर कैसे करूँ? क्या मतलब? इसके छोटे भाई को कौन संभालेगा, काम में हाथ कौन बटाएगा? शनो, तू मेरे साथ चल, बेटी स्कूल में और छोटा बच्चा आंगनवाड़ी में, और घर का काम बड़े करे। दीदी समझ गई, चाह है तो राह है, चाह है तो राह है। प्रकाश सूर्या GI 5 जहां भी ये लगे सालों साल चले, तो अब सिर्फ प्रकाश सूर्या GI 5, बाकी सब खामोश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एक मुलाकात में बात कर रहे हैं देश के जाने माने उद्योगपति हरि भरतिया जी से। भरतिया साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में जो शैक्षणिक माहौल है उसे किस तरह आप देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमें कैपेसिटी बढ़ानी है। आज हमारा जो एनरोलमेंट रेशियो ग्रेजुएट स्कूल्स में करीब 11% है, तो मेरा ये मानना है कि आगे 10 सालों में इसको हमको कम से कम 30% पे ले जाना है। तो अगर हमको 11 से 30 करना है, तो आप सोचिए कि हायर एजुकेशन पे कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? हम नहीं समझते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को पूरा तरह से कर सकती है। तो इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर का कहीं ना कहीं रोल पूरे तरीके से लेके आना होगा, बड़ा सहयोग लेना पड़ेगा, मैं तो ये मानता हूँ। कैसे यह सहयोग संभव हो पाएगा? देखिए, इसके कई तरीके हैं कि जो अगर आप अर्ली स्टेज एजुकेशन ले लें, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, हमें प्राइवेट सेक्टर को स्कूल्स चलाने के लिए पूरी तरह से परमिशन देना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में देखते हैं, आगे क्या भविष्य किस रफ्तार में आगे बढ़ेगी? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट है ये सस्टेनेबल है। मेरा ये मानना है कि आगे चल करके ये ग्रोथ रेट मेंटेन होगा, और इसको हम जो आज 8 से 9 है उसको हम डबल डिजिट पर ले जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने काफ़ी नाम कमाया, फिर CII की अध्यक्ष बने, दोनों अलग अलग सेक्टर है, कैसे तय किया यहाँ तक का सफ़र आपने? मेरा जन्म जो है एक बिजनेस फैमिली में हुआ, तो बचपन से ही कुछ न कुछ बिजनेस की बातें तो आदमी सुनता ही आया था। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस माहौल में आप पैदा हों, बड़े हों, तो उसी माहौल के बारे में आप फिर सोचने लगते हैं। तो जब मैं IIT दिल्ली में गया, मैं केमिकल इंजीनियर बना, तो उस वक़्त हमारे भाई साहब जो हैं एक केमिकल की फैसिलिटी लगा रहे थे, तो मैं उनको ज्वाइन कर लिया। एक नया उद्योग चालू हो रहा था, तो मैंने कहा साथ मिलके करते हैं, तो हम लोगों ने साथ चालू किया। तो उसी को फिर जब उस वक़्त लाइसेंस राज था, देखिए, तो हमारे पास बड़े कंस्ट्रेंट्स थे। फिर जब आगे चल करके 1991 में इंडिया ओपन हुआ, तो फिर हमने कहा कि इसको हम लाइफ साइंस की तरफ ले जाएंगे, इस पर साइंस और रिसर्च का जो है कंपोनेंट लेके आएंगे, जिससे कि हम दुनिया में लीडरशिप ले सकें। आज से करीब 10 साल पहले मुझे एक वन ऑफ दी प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं CII कि, उन्होंने हमें कहा कि आप नेशनल काउंसिल में आकर के काम कीजिए। तो मैंने काम किया, मैंने ये पाया कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है CII, इसमें 1000 लोग हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से इंडस्ट्री की मदद करती है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, एक इंडस्ट्री बॉडी का रोल होता है एडवोकेसी करना, कि भाई आप हमें ये दीजिए, हम आपसे ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से हम कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं। बट इसमें एक बड़ी यूनिक बात है कि हमारा सबसे ज़्यादा काम जो है वो, चाहे वो छोटा उद्योग क्यों ना हो, चाहे बड़ा उद्योग क्यों ना हो, हम उनको कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। हम उनको कहते हैं कि कैसे तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे ग्रीन हो सकते हो, कैसे क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो।
बढ़ते सब, लेकिन सीआईआई पर एक आरोप लगता है कि हमेशा जो है बड़े औद्योगिक संगठनों की लड़ाई लड़ता है, छोटे छोटे उद्योग धंधों को भूल जाता है सीआईआई। ये एकदम गलत कहना होगा, क्योंकि जो न्यूज़ पे जो लोग रहते हैं वो बड़े उद्योग रहते हैं, बट जो जहाँ से उद्योग चालू होता है वो स्मॉल और मीडियम सेक्टर से। हम भी तो मीडियम सेक्टर इंडस्ट्री थे, आज जाके ग्लोबल बन गए हैं। तो सीआईआई का अगर आप मेंबरशिप भी देखें तो 50% से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं, हमारे डायरेक्ट मेंबर्स हैं, वो भी एसएमई सेक्टर से ही होंगे। और अगर सीआईआई का पूरा आप कैनवस ले लें तो 80% से ज़्यादा मेंबर हमारे वहीं पे स्मॉल एंड मीडियम साइज के हैं। लक्ष्य क्या है सीआईआई का? देखिए, लक्ष्य ये है कि हिंदुस्तान की जो जो उद्योग है उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड पे लेके आना, और हम उसी के लिए झगड़ते हैं। अगर हमारे पर कोई कंस्ट्रेन है, अगर हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दीजिए। अगर हम समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो रोज़गार नहीं क्रिएट कर सकता है, तो हम कहते हैं कि इस पर क्या क्या चीज़ें चेंज हो। अगर हम समझते हैं कि कोई भी पॉलिसी लेवल हो उस पर चेंज लाना है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो या टैक्स हो, उसको कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, तो हम तो ओपन डायलॉग करते हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर हम फेयर तरीके से गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम्स को रखें, तो गवर्नमेंट का और हमारा ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना, कि इंडिया में ग्रोथ बना रहे। और देखिए, ग्रोथ होगा तो पैसे होंगे जिससे कि हम सोशल सेक्टर पर इन्वेस्ट कर सकें। देखिए, जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, तो हमें तो उसके लिए रिसोर्स चाहिए कि लोगों को हम सोशल सिक्योरिटी दें, एम्प्लॉयमेंट गारंटी दें, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें तो सारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, और वो ग्रोथ से आ सकता है। और ग्रोथ जो है वो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा रोल है उसमें। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हरि भरतिया जी से यह बातचीत जारी रहेगी। लोन पर कम, जमा राशि पर ज्यादा, करें 106 महीनों में धन दुगना या 60 महीनों में बने लखपति। होम लोन 8.5% पर, कार लोन 0.5% सस्ते। अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी शाखा से संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किसको? पंचायत को। गांव में काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी? पंचायत की। गांव में कहां काम होगा, क्या काम होगा, ये तय कौन करेगा? ग्राम सभा। सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी किसकी? ग्राम सभा। मैं हूँ इस गांव की सरपंच। रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारियों को मैंने ठीक से समझा है, और आपने? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक मुलाकात में देश के जाने माने उद्योगपति हरि भरतिया जी से। भरतिया साहब, आप जुबिलेंट लाइफ साइंस का नेतृत्व भी करते हैं, आगे क्या प्लानिंग है? जुबिलेंट में आपने देखा होगा कि हम चार सेक्टर्स में हैं। एक तो लाइफ साइंस, दूसरा रिटेल और फूड सर्विस। हमारा ये मानना है कि इस पर बहुत बड़ा ग्रोथ का पॉसिबिलिटीज है। तीसरा एनर्जी सेक्टर पे हैं, जहां हम ऑयल और गैस के लिए एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो उसमें हमारा ये मानना है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हिंदुस्तान पे तो अभी बढ़ती रहेगी, और हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है एनर्जी में। तो उसके लिए अपनी धरती पे हमें खुद खोजना होगा कि भाई ऑयल और गैस के रिसोर्सेज कहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये जो तीन सेक्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और चौथा जो हमारा सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल है, जिसमें कि हम तरह तरह के मटेरियल्स बनाते हैं, फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं। तो इन चारों चीज़ों पर हमारा फोकस है, और इसको हम ग्रो कर रहे हैं। डोमिनोज पिज्जा की भी आप फूड सर्विस चेन चलाते हैं कई देशों में, भारत समेत। इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ? देखिए, एक बार मेरे लड़के का जन्म हुआ था अमेरिका में। तो एक बार मैंने, क्योंकि मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, तो मैंने सोचा भाई क्या खाना खाया जाए। तो मैंने फ़ोन घुमाया, और करीब 20 मिनट पे एक बंदा
डोमिनोज पिज्ज़ा लेके आ गया, गरम गरम। आप देखते हैं नीचे रोटी है, ऊपर कुछ सब्जियां हैं, तो ये तो बड़ा आसान है हमारे लिए खाने के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, पिज्ज़ा मैंने पहले खाया था, बट मैंने इस तरह से कि भाई आप फ़ोन करते हैं और वो लाके डिलीवर कर देता है। जब आपको भूख लगती है ना तो तुरंत खाने का मन करता है। तो मैंने कहा, मैं उस दुकान में गया, मैंने कहा भाई ये कौन चला रहा है इसको? तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने कहा इसको हम हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करें। सरकार और उद्योग संगठनों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है CII, भरतिया साहब, लेकिन कई बार देखने में आता है कि सरकार की नीतियों को ही अपनी नीति मान लेता है CII। मैं इस पे सहमत नहीं हूँ। हम तो नॉर्मली, हम लोगों का तो यही जॉब है कि जो सरकार की जो नीति है, अगर हमारे पास डिफरेंसेस हैं तो उसी की हम एडवोकेसी करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग ये समझते हैं कि भाई जो उद्योगपति हैं वो उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, पर देखिए उद्योगपति क्या करता है? वो इंडस्ट्री लगाता है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट करता है। और उद्योगपति कौन है? जो एक छोटा व्यापार चालू करता है, छोटा उद्योग चालू करता है, धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। और उस बड़े बनने में ये बात सही है कि वो खुद पर्सनली भी वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, क्योंकि अगर वो सस्टेनेबल बिजनेस ऐसा बनाता है जिसमें कि जो कि प्रॉफिटेबल है तो मार्केट उसको वैल्यू करती है। बट अगर आप देखें तो नॉर्मली जो भी प्रॉफिट है वो ग्रोथ में ही लग जाता है, तो इसमें तो सबका ही फायदा है। एक बड़े अहम सवाल की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। भारत की बड़ी समस्या है बेरोजगारी। नौजवान पढ़ लिख कर निकल जाते हैं, रोजगार नहीं मिलता। इसके लिए उद्योग संगठन क्या करेंगे कि बड़ी मात्रा में नौकरियां आएं? देखिए उसके लिए ग्रोथ, पहला तो ग्रोथ रहना जरूरी है। अगर ग्रोथ होगा, अगर हम 9-10% ग्रोथ करते रहे तो जितने भी लोग रोजगार पे आएंगे, हमारा ये मानना है उनको हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब वो एब्जॉर्ब कैसे होता है? देखिए फॉर्मल सेक्टर तो एब्जॉर्ब करता है एक लिमिटेड आदमियों को, बट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इनफॉर्मल सेक्टर पे होती है, जहाँ कि आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड है। भाई आप बार्बर हैं, आप प्लम्बर हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, तो आप अपना रोजगार चालू करते हैं। और ये जो स्किल्ड लोग हैं इनका इनकम जो है कई वाइट कॉलर लोगों से ज़्यादा होता है। तो देखिए हमें तो इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करना है। जो एक वेल्डर है उसका बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक कंस्ट्रक्शन का जो क्रेन चलाता है उसकी भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है इस देश में। और उसकी जो इनकम लेवल है किसी पढ़े लिखे ग्रेजुएट से कम नहीं है, और इन्हीं लोगों को हमें सेलिब्रेट करना जरूरी है। देखिए हम जो लोग अच्छा गाना गाते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, जो लोग फैशन बनाते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, पर जो एक अच्छा प्लम्बर है, जो एक अच्छा कारपेंटर है, उनको भी सेलिब्रेट करना है। उन्हीं के बलबूते पे ये देश चल रहा है। हमारे देश के जो नेता हैं वो एक बात कहते हैं कि भारत में जो लोग अमीर हैं उनकी अमीरी बढ़ती जा रही है और जो लोग गरीब हैं गरीबी उनकी बढ़ती जा रही है। ये जो बड़ा अंतर है इसके बीच की खाई क्यों नहीं पड़ पा रही है? क्या मानते हैं कारण आप इसका? लोगों के दिमाग पे आज के दिन ये इम्प्रेशन है कि बड़ा आदमी बड़ा बनता जा रहा है और जो गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। बट मेरा ये मानना नहीं है। देखिए जो ग्रोथ का इम्पैक्ट है आज के दिन सबके घरों पर पड़ रहा है। आप, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि जितना फास्ट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। पर एक चीज़ देखिए हम जो कि गवर्नमेंट से पूरी तरह से सहमत है, आपने कहा ना किन चीज़ों पर सहमत है, मैं बताऊँगा एक चीज़ों पर। ये जो गवर्नमेंट ने जो एक इंक्लूसिव एजेंडा बनाया है मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। ये क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? देखिए जो लोग जिनके पास कोई तरह के रोज़गार नहीं है उनको सेफ्टी नेट देना बहुत ज़रूरी है। और रोज़गार क्यों नहीं है? क्योंकि उनको किसी ने प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया, किसी ने उनको प्रॉपर वोकेशनल स्किल की ट्रेनिंग नहीं दी। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ जो एक कई बार एक अर्बन इंडिया में लोगों को मिल जाता है शायद वहाँ नहीं मिल पाता है। तो हमारा रोल क्या है कि इस सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ले जाना और उनको तैयार करना, उनके हेल्थ पे फोकस करना, उनके फूड सिक्योरिटी पे फोकस करना। तो ये जो चीज़ का, ये जो हमारी रिसोर्सेज आज वहाँ जा रही हैं, चाहे उसमें कुछ इनएफिशिएंसी ज़रूर हो, मैं ये मानता हूँ कि पूरी एफिशिएंट तरीके से नहीं जा रही हैं, पर देखिए जिस भी स्टेट्स में हमने इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है वहाँ पर
खुशहाली बढ़ी है उन सब एरियाज में। भरते जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विदेशों में CII के ऑफिस कहाँ कहाँ हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी और भारतीय औद्योगिक संगठनों के बीच किस तरह तालमेल बिठाने का काम करता है CII? देखिए, हम USA में हैं, सिंगापुर में हैं, साउथ अफ्रीका पे हैं, इस तरह से करीब चाइना में हैं, करीब 12 देशों पे हमारे ऑफिसेज हैं। तो हमारा सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जब हमारे ऑफिसेज वहाँ खुलती हैं तो वहाँ के जो लोकल एसोसिएशन के साथ इंटरेक्ट करना और जो वहाँ की जो बिजनेस हैं उनको यहाँ के बिजनेस के साथ मिलाना। ये देखिए, जो नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है कि जिससे कि आपस में लोग मिलें और जब मिलेंगे तो बिज़नेस होगा। हमारे जब लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं तो चाइना जाते हैं या USA जाते हैं, तो सही लोगों से मिलाना ये हमारा सबसे बड़ा रोल है। बिजनेस के अलावा और किन चीज़ों को पसंद करते हैं आप? मेरा जो लास्ट 30 साल का जो जीवन है वो तो ज़्यादातर बिजनेस पे लगा। और मैं पहले पोलो खेलता था, तो वो भी धीरे धीरे जब आप बिजनेस पे घुस जाते हैं ना तो 7 दिन की ज़िंदगी जो है इसी में लग जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरा जो इंटरेस्ट ये रहा कि दुनिया भर में देखना कि क्या नई चीज़ें हो रही हैं। साइंस पे मेरा बड़ा इंटरेस्ट है कि किस तरीके से हम इनोवेट कर सकते हैं, क्या साइंस को यूज़ करते हुए या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नए प्रोडक्ट्स को कैसे ला सकते हैं। तो आप पूछे मुझे क्या आप गोल्फ खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलता गोल्फ। हाँ, मुझे अगर मौका मिलता है एक दिन तो मैं तो कुछ किताब लेकर के बैठ जाता हूँ और उसी में पढ़ने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। परिवार के लिए किस तरह समय निकाल पाते हैं? देखिए, जो किसी बिजनेसमैन के यहाँ जो परिवार है वो आपके एक तरह से बिजनेस पे जुड़ा हुआ है। जो उद्योगपति या जब उस कभी रिस्क लेता है और घर पे गड़बड़ हो जाती है, उसके रिस्क पे मतलब उसके बिजनेस में गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी जो बीवी है वो अपने गहने भी जो है गिरवी करने को तैयार हो जाती है। तो ये एक मतलब परिवार भी जुड़ा होता है, तो हम जो भी कुछ करते हैं साथ साथ मिलकर करते साथ ही चलता है, तो वो भी इसी का एक इंक्लूसिव पार्ट है। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भरतिया साहब तमाम उद्योगपति राज्यसभा का भी रुख कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट एक जरूर है कि कभी जब मौका मिले तो क्या देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरा अपना जो एक लगाव है वो है एजुकेशन के साथ। जब मैं IIT का चेयरमैन भी रह चुका हूँ और अभी IIM रायपुर के लिए मुझे कहा गया है कि एक नया इंस्टीट्यूट चालू करने के लिए, और तीसरा स्किल डेवलपमेंट पे मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ, कैसे लोगों को एम्प्लॉयबल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, क्योंकि उससे लोगों को रोज़गार मिलता है, इनकम लेवल बढ़ता है और उनकी ज़िंदगी बन जाती है। देश के नौजवानों को आपका संदेश क्या है? देखिए, मेरा तो उनको एक ही संदेश होगा कि वो कंप्लेन ना करें। देखिए, जब आदमी बड़ा होता है, जब वो दुविधा में आता है या उसको फ्रस्ट्रेशन होता है तो अपने माँ बाप को ब्लेम करता है, कहता है कि भाई तुमने हमें ना शिक्षा दी ना ये किया, तुमने हमें पूरी तरह से हमारे को ध्यान नहीं दिया, या फिर अपने वो देश को कहता है या अपने पॉलिटिशियंस को कहता है कि। तो मैं तो उनको यही कहूँगा, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भरतिया जी हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे हरि भरतिया जी, जिन्होंने तमाम सवालों पर बेबाकी के साथ अपने विचार हमारे बीच रखे। भरतिया जी ने साफ कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि देश के औद्योगिक माहौल को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। यदि वे इसे कर पाने में सफल रहे तो वे मानेंगे कि बतौर CII अध्यक्ष उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ देश के लिए किया। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय अपनी खास पड़ताल एक मुलाकात में देश की एक और नामचीन शख्सियत के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।